हेलो फ्रेंड्स, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 75 डेज चैलेंज की रिजल्ट के बारे में। 2023 16 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, आपको क्या लगता है उनका रिजल्ट क्या होने वाला है? एंड साथ में हम ये भी देखेंगे 2024 का क्या है मेरा रिजोल्यूशन, क्या टारगेट मैंने सेट किया है और उनको अचीव करने के लिए मेरा प्रोसेसिंग गोल क्या है। अगर आपको बतानी है 75 डेज हार्ड चैलेंज क्या है, ये बेसिकली एक सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए। 75 डेज हार्ड चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैंने इस वीडियो से यहाँ पे अपलोड किया था और मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ इस 75 डेज में विस्तार से बताया गया था। तो आइए सबसे पहले एक एक करके जो 5 एस्पेक्ट थे और मैंने कुछ मॉडिफाई करते हुए कुछ चीजें मैंने ऐड किया था, क्या मैंने सारे अचीव कर पाया, क्या छूटा, सारे चीजें हम सबसे पहले देखेंगे एंड देन बात करेंगे 2024 की रिजोल्यूशन के बारे में। देखिए, गोल सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ अकॉम्प्लिश करना है, और सेट करने के बाद प्रोसेसिंग गोल भी होना चाहिए। प्रोसेसिंग गोल मतलब जैसे कि मुझे मेरा जो वेट है 70 के नीचे लाना है, तो उसको अचीव करने के लिए प्रोसेसिंग गोल होना चाहिए कि 2 किलोमीटर रन पार्ट डे में कंप्लीट करो, पार्ट डे वाइज जो गोल है, राइट? एंड 500 स्कीपिंग, 100 पुशअप, ये सारे जो है ये प्रोसेसिंग गोल है टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे इस टेबल के साथ साथ 75 डेज हार्ड चैलेंज जो एक्चुअल चैलेंज है जो एंड्री फिशेल ने स्टार्ट किया था वो सबसे पहला कॉलम में दिखेगा। एंड 75 डेज ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कुछ मॉडिफाई करके मेरे हिसाब से, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने सेट किया था, तो वो चैलेंज यहाँ पे मिडिल कॉलम में दिखेगा। एंड देन जो गोल है इस चैलेंज के थ्रू मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ वो गोल यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड उसके बाद ये जो कॉलम है यहाँ पे क्या मैं कंप्लीट कर पाया या फेल हो गया, वो रिजल्ट यहाँ पे मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला चैलेंज ये था एक्चुअल चैलेंज, 45 मिनट्स वर्कआउट और 2 बार करना पड़ेगा एंड एक बाहर होना चाहिए। आउटडोर वर्कआउट 45 मिनट्स एक बार होना चाहिए और इंडोर 45 मिनट्स, राइट? तो ये एक्चुअल चैलेंज था, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन करके आप देख सकते हैं ए मैंने क्या था कि 1 घंटा 30 मिनट्स मिनिमम मैं वर्कआउट करने वाला हूँ और एक ही बार मैं करने वाला हूँ, और अगर मैं बाहर हूँ, क्योंकि काम के वजह से कभी बाहर जाना पड़ता है, अगर मैं बाहर हूँ तो बाहर में मैं 2 किलोमीटर रन एंड 100 पुशअप ओनली करूंगा, राइट? और इस चैलेंज के थ्रू मैं अकॉम्प्लिश क्या करना चाहता था, वेट लॉस। अगस्त में मेरा जो वेट था 80 किलोग्राम, राइट? और जब मैंने स्टार्ट किया था 75 डेज चैलेंज, उस टाइम आप देख सकते हैं कि 75 किलोग्राम मेरा वेट था। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने 29 दिसंबर को, यानी कल जो मैंने मेजर किया, आप देख सकते हैं मेरा जो वेट है बिलो 70 किलोग्राम। दैट्स मीन ये जो चैलेंज है मैंने एक दिन भी स्किप नहीं की, कभी कभी तो मैंने 2 आवर्स तक भी वर्कआउट किया, जिनके दौरान ये जो टारगेट है वो मैंने अचीव कर पाया। और ये था मेरा मेन टारगेट जो मैं 75 डेज हार्ड चैलेंज के थ्रू अकॉम्प्लिश करना चाहता था। इसके साथ साथ जब मैंने स्टार्ट किए थे वहां पे मैंने रनिंग करता था ट्रेडमिल पे, और 2 किलोमीटर रन करने के लिए मिनिमम टाइम्स लग रहा था 15-16 मिनट, और उस टाइम मैंने मेंशन भी किया था उस वीडियो में कि मैं जब कंप्लीट करूंगा ये 75 डेज चैलेंज इंट हो रहा है 29 दिसंबर को, तो उस टाइम मैं इतना कैपेबल बन जाऊं कि 2 किलोमीटर को मैं लेस देन 12 मिनट में कंप्लीट कर पाऊं। तो आपको मैं इस वीडियो देखना चाहूंगा जो 29 को मैंने रिकॉर्ड की। तो गाइस, आपने देखा मैंने 11 मिनट पे 2 किलोमीटर कंप्लीट कर पाया, राइट? तो बेसिकली जो पहला चैलेंज है वो मैंने कंप्लीट कर पाया। लेकिन सॉरी, मैं डेली बेसिस वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस रिलेटेड और भी सारे काम होते हैं, तो मैंने अपलोड नहीं कर पाया। 2024 में इसके रिगार्डिंग कुछ रिजोल्यूशन है जो हम आगे जाके बात करेंगे। तो आइए बात करेंगे नेक्स्ट जो चैलेंज है, जो एक्चुअल चैलेंज है, ड्रिंक एटलीस्ट 1 गैलन वाटर, यानी अप्रोक्स 4 लीटर्स वाटर एक दिन में आपको पीना है। तो ये मैंने बहुत सारे वाटर पीता भी हूँ, दैट्स मीन ये कंप्लीटेड। और इसके थ्रू मैं अचीव क्या करना चाहता था कि स्किन ग्लो, हाइड्रेशन, आपको क्या लगता है कि मेरा स्किन थोड़ा ग्लो कर रहा है कि नहीं? ब्यूटीफुल। अगर पास्ट वीडियो देखे उनके साथ आप खुद कंपेयर कर सकते हो।
अब बात आते हैं थर्ड चैलेंज। एक्चुअल जो चैलेंज है यहाँ पे रीड 10 पेजेस ऑफ नॉन फिक्शन बुक एवरी डे, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो बुक बताया था कि एक ट्रेडिंग बुक पढ़ूंगा, एक नॉन फिक्शन बुक, और मैंने तीनों बुक कंप्लीट किया। पहला बुक तो जॉन मर्फी का टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच, एंड राज सेमानी का बिल्ड डोंट टॉक। ये तीनों बुक्स मैंने कंप्लीट की इस जर्नी में। तो यहाँ पर भी एक दिन भी मैंने स्किप नहीं की, हर डेज मैंने यहाँ पे बुक पढ़ा। फोर्थ नंबर जो चैलेंज है, फॉलो ए स्ट्रिक्ट डाइट विथ नो चीट मील। यस, मैंने राइस बहुत कट किया, ऑयली फूड बिल्कुल बंद कर दिए थे, एंड शुगर तो मैंने बिल्कुल इंटेक नहीं की। और इसके थ्रू मैं अचीव किया करना चाहता था, ऑब्वियसली मेरा जो वेट है वो 70 के नीचे आ जाए, जो ऑलरेडी एकॉम्प्लिश हो चुका है, मैंने आपको दिखा दिया, राइट। अब बात करेंगे फिफ्थ नंबर चैलेंज की, नो अल्कोहल और चीट डेज अलाउड। मैंने कोई भी चीट नहीं की, एंड अल्कोहल तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, तो मैंने ये कभी नहीं पीता। अब बात करेंगे सिक्स नंबर की, लास्ट बट नॉट द लेस्ट जो चैलेंज था, टेक ए प्रोग्रेस पिक्चर एवरी डे, जो मैंने नहीं कर पाया। यहाँ पे मैंने फेल हो गया। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था, 10-12 डेज मैंने वीडियोस बना के, ब्लॉग बना के अपलोड कर रहे थे, आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। उसके बाद मैंने अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू अदर वर्क्स। तो यहाँ पे मैं इसमें क्रॉस साइन देना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने फेल हो गया है, राइट। ये था एक्चुअल एंड्री फिसेल का 75 डेज चैलेंज, राइट। यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफाई करके और भी कुछ चैलेंज ऐड किया था, तो उनके बारे में अभी बात करते हैं, राइट। प्रेइंग नमाज 5 टाइम्स और मेडिटेशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एक भी दिन स्किप नहीं की, सारे नमाज मैंने पढ़ा, तो यहाँ पर भी कंप्लीटेड। अब बात करते हैं 8 नंबर चैलेंज की, स्पीक इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली, 1 मिनट रिकॉर्ड इन डेली ब्लॉग। ये मैंने नहीं कर पाया गाइस, ऑनेस्टली मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था खुद से ही बात करना, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के साथ आप बात कर पाए, तो मैंने यहाँ पे नहीं कर पाया, तो इस चैलेंज पे मैं फेल हो गया। अब बात करते हैं 9th नंबर, जो कि लास्ट चैलेंज है, नो ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रैटेजी। मैंने बेसिकली कसम लिया था गाइस कि विदाउट स्ट्रैटेजी मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी मतलब जहाँ पे एंट्री कंडीशन होगा, एग्जिट कंडीशन होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे, ट्रेल स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे, ये सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए, प्रॉपर एक सेटअप है, और उस सेटअप को इस्तेमाल करके ही मैं ट्रेडिंग करूँगा। मैंने 10-12 डेज तक नहीं की, एंड देन मैंने रैंडमली ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिए थे, उसके बाद मैंने लॉस भी किए। विदाउट स्ट्रैटेजी आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करने आओगे तो डेफिनेटली यू विल लूज योर मनी, लूज योर कैपिटल, जो कि मैंने किया, राइट। तो ये भी मैंने फॉलो नहीं कर पाया। इसके थ्रू मैं अचीव क्या करना चाहता था कि वांट टू बी स्ट्रिक डिसिप्लिन ट्रेडर। मैंने कोशिश की, फिर से मैंने स्टार्ट किया था कि विदाउट स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे, बहुत सारे स्ट्रैटेजी भी मैंने बनाया, कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ये 3 चैलेंज जो है मैंने वहाँ पे फेल हो गया, एंड बाकी सारे जो चैलेंज है बेसिकली कॉम्प्लीट किया विदाउट एनी चीटिंग। गाइज, मैंने एक रिवार्ड रखा था मेरे लिए कि अगर मैं इस 75 डेज हार्ड चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊँ, जितने भी यहाँ पे गोल है उनको मैं अचीव कर पाऊँ, मैं एक वैकेशन इनिशिएट करूँगा, दुबई टूर। आपको क्या लगता है, क्या मैंने अकम्प्लिश किया? बहुत सारे जो मेन पॉइंट है वो तो मैंने किया, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो ट्रेडिंग 8 एंड 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अचीव नहीं कर पाया, तो इनके लिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ जो भी रिवार्ड था। और अब हम आगे बढ़ते हैं 2024 की रेजोल्यूशन, नेक्स्ट ईयर में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। जब ये 2024 खत्म हो, इस तरह एक वीडियोस बना के आपको मैं दिखा पाऊँ जो भी मैंने टारगेट रखा था, क्या मैं अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। तो वो जानने से पहले मैं भी जानना चाहता हूँ आपका रेजोल्यूशन क्या है, वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 2024 का रेजोल्यूशन। तो सबसे पहला जो टारगेट है कि इस चैनल पे एवरी डेज वीडियोस अपलोड होगा एक्सेप्ट संडे। संडे में भी वीडियोस अपलोड होगा, अगर छूट जाते हैं तो संडे में ही छूटेगा, संडे में किसी किसी बार नहीं भी आ सकते वीडियो, अदरवाइज एवरी डे वीडियोस अपलोड होंगे इस चैनल पे। अभी जो टाइम है वीडियो आएगा 7:40 को, लेकिन ये टाइम वेरी कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वीडियोस हो रहा है यहाँ पे, संडे को अगर छोड़ दें तो 365 - 52, सो यहाँ पे टोटल 313 वीडियोस अपलोड होंगे 2024 में। तो ये मेरा पहला टारगेट है। नेक्स्ट जो टारगेट है कि इस चैनल पे मैं अचीव करना चाहता हूँ 50,000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ द 2024 ईयर। तो ऑब्वियसली अगर मैं वीडियोस अपलोड करूँ और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आई विल अचीव दिस टारगेट, राइट। सो दिस इज माय सेकंड टारगेट, मुझे अचीव करना ही है। ओके,
और इसी दिन मैं वीडियोस बना के यानी 2025 पहला जनवरी मैंने वीडियोस बना के ये सारे जो रिजोल्यूशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका रिजल्ट मैं अपलोड जरूर करूंगा। अब बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन है एट एनी वेट बिलो 67.5 केजी बाय डिसेंबर 31, 2024। यानी जब 2024 खत्म होगा तो मेरा बॉडी वेट 67.5 के नीचे होना चाहिए। मैंने जब गूगल किया मेरा हाइट के अकॉर्डिंग, मेरा हाइट 5.89 इंचेस है, मैं जब गूगल किया तो मुझे मिला कि यहाँ पे जो वेट है 63 टू 70 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग मैं अचीव करना चाहता हूँ कि बिलो 68 या 67.5 इसके नीचे होना चाहिए। तो उनके लिए मेरा जो प्रोसेसिंग गोल क्या है, मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली कैलोरी कट डाउन करना ही पड़ेगा, अभी भी 70 वेट है मेरा, तो विथ ए मिनिमम ऑफ 6 आवर्स वीकली वर्कआउट्स, तो 6 आवर्स वीकली वर्कआउट्स मुझे करना ही है। ये वीकली बेसिस मैंने कर दिया, पहले किया था डेली बेसिस, 1.5 घंटा वर्कआउट करना ही था, तो ये वीकली बेसिस मिनिमम 6 आवर्स, कभी भी 4 डेज भी करूंगा या 5 डेज भी मैं यहाँ पे वर्कआउट करूंगा, एक दिन मैं यहाँ पे स्किप कर सकता हूँ वर्कआउट। अब बात करेंगे नेक्स्ट वन की, जो है बिकम कैपेबल ऑफ मेकिंग इंग्लिश वीडियोस। बेसिकली ट्राइड अलॉट, बहुत सारे बुक्स भी पढ़ी, बट प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो वन टू स्पीक विथ, राइट? तो इंग्लिश में कोई बात नहीं करते, वी आर बंगाली गाइस, सो दिस इज द मेन रीजन आई फेल टू अकॉम्प्लिश दिस टारगेट, राइट? बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अकॉम्प्लिश दिस ईयर। ओके, बिकम कैपेबल ऑफ मेकिंग इंग्लिश वीडियोस, कि मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊँ, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ इंग्लिश में बना के पोस्ट करूँ, राइट? सो दिस इज द फोर्थ नंबर चैलेंज। अब बात करते हैं फिफ्थ की, कंप्लीट रीडिंग ए मिनिमम ऑफ 8 बुक्स। जैसे कि 75 डेज चैलेंज में मैंने 3 बुक्स कंप्लीट किया था, उसके बाद भी कुछ और भी चीज़ें था जो मैंने पढ़ रहे थे, बट अभी इस ईयर मैं मिनिमम 8 बुक्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। देखिए, इस बुक रीडिंग के थ्रू मैं अकॉम्प्लिश क्या करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली ये इंग्लिश लर्निंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प तो करेगा ही, एंड मेरा जो माइंड टफनेस है, थॉट प्रोसेस है, उनको भी स्ट्रांग बनाएगा, राइट? तो ये मैं मिनिमम 8 बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। 6th नंबर जो गोल है, बी एबल टू रीड कुरान इन अरबिक। मैंने एक बार स्टार्ट भी किया था बट लेटर्स तक मुझे आता है एंड उसके बाद मैंने पढ़ नहीं सकता, तो मैं चाहता हूँ होली कुरान को अरबिक में पढ़ पाऊँ बाय द एंड ऑफ 2024। मैं सीख जाऊँ प्रॉपर विदाउट मीनिंग, इसमें मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट रीडिंग में पढ़ सकूँ, कितना कैपेबल मैं बन जाऊँ, राइट? ये 6th नंबर चैलेंज है। 7th नंबर चैलेंज है जनरेट मिनिमम ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 50 लाख विदाउट चार्जेस। गाइस, मैं जो ट्रेडिंग करूंगा सारे क्लाइंट आईडी मेंशन होंगे इस चैनल में, और ट्रेडिंग के थ्रू 50 लाख रुपीस में प्रॉफिट बनाना चाहता हूं विदाउट चार्जेस। पीएनएल भी शेयर होंगे, आगे भी कुछ प्लानिंग है जो आपको देखने को मिलेगा, 3-4 डेज के अंदर ही एक प्लान में स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये है 7th नंबर गोल, जनरेटिंग मिनिमम 50 लाख प्रॉफिट विदाउट चार्जेस। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लेस्ट, ट्रैवल टू मिनिमम 5 स्टेट्स इन इंडिया एंड एम्बार्क ऑन टूर ऑफ दुबई। ठीक है, मिनिमम 5 स्टेट्स में घूमना चाहता हूँ इस साल और एक बार दुबई टूर करना चाहता हूँ। सो दिस आर माय रेजोल्यूशन, बहुत ही सिंपल एंड अचीवेबल। मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बनाना ट्रेडिंग में 50 लाख, ये मेरे लिए टॉप हो सकता है, राइट? क्योंकि कभी कभी मैं बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग करता हूँ जब मैं डिसिप्लिन के साथ करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होती है, रैंडमली मार्केट की मूव को देखते हुए मैं पोजीशंस बना लेता हूँ विथ ह्यूज क्वांटिटीज, तो उसी टाइम में बड़ा लॉस करता हूँ एंड उसके बाद 2-3 दिन मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। तो ये चीजें मैं नहीं करना चाहूंगा 2024 में। तो ये सारे मेरा गोल है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी अपना गोल जरूर बनाइए बट रियलिस्टिक होना चाहिए, जो अचीवेबल है। बेसिकली जो बिलीवेबल है वो अचीवेबल है, आपको बिलीव करना पड़ेगा आपके गोल में, तभी जाके आप उनको अचीव कर पाएंगे। तो रियलिस्टिक गोल बनाइए एंड उनको अचीव करने के लिए प्रोसेसिंग गोल भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने वेट लॉस में मैंने बताया था वीडियो की पहली सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट डे, एवरीडे वीडियोस आएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए एंड किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।